नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग सहित मु विकास आपमनकु स्वागत करछी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ किछि समय परे देशवासीकु संबोधन करिवे, कोन कहिवे, कोन रहिबो तांकर संबोधन, से लोकंकु कोन सूचना देबे, कोन तांकर मेसेज रहिबो, ए सबु उपरे नजर रहिबो। जहाँ पीएमओ ऑफिसरु वर्तमान एक बड़ सूचना आसी पहुँचिछि, 8:45 रे से समस्त भारतवासीकु एक बड़ संबोधन देबे, जेउथिरे हुएत देशरे जो कोविड स्थिति जो महामारी रहिछि, महामारी लढ़ई रे कौन मंत्र बांटुचंती से नहीं कि अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हुए तो बांटी पारंती एवं जहाँ लागुची जे किसी बड़ घोषणा मध्य हो पारिबा। कारण दर्शक बंधु आम जानवा गत काली प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करते ठीक राति समय ही एक न्यूज आसीला जो थे कि 18 वर्षर अधिक समस्त युववर्ग को आरोप जो मानक टीका जो मैंने नहीं नाती से समस्त टीका दिजाव एने की एक बड़ घोषणा आसीला। घन घन बैठक किंतु वर्तमान जहाँ पीएम ऑफिस रु अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय तरफ जहाँ सूचना आसी पहुँचुची 8:45 प्रधानमंत्री समग्र भारतवासी को संबोधन करिवे। महामारी लड़ई रे कौन रही भारतर प्रस्तुति केमिति लड़ा समस्त देशवासी को से नहीं कि बड़ मेसेज दे पारती। वर्तमान बड़ खबर बिग ब्रेकिंग आम कहीपर जे देशवासी को आ किसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करिवे। जदि देश में कोरोना स्थिति उपरे नजर पकेबा वर्तमान देश में 2,70,000 उपरे पॉजिटिव बाहरुची, पाखापाखि 3-4 राज्य स्थिति अधिक सांघातिक रही। ओडिशा कथा जदि कहिबा 4,000 उपरे पॉजिटिव संख्या बाहरुची, जहाँ नहीं कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आहुरी मासिव करने कि बड़ स्टेप निया जाउची। आगुरु 45 वर्षर अधिक लोक मानक वैक्सीनेशन दिजापी टीका दिजाव नहीं घोषणा करता। गत काली एक बड़ घोषणा केन्द्र सरकार मोदी सरकार करते 18 वर्षर ऊर्ध जो मैंने अच्छा युववर्ग को टार्गेट करते जेहेतु भारत पपुलेसन सब बड़ भाग रोच्च युववर्ग एम एज क्राइटेरिया को लेकिन 18 वर्षर अधिक नहीं कि टीकाकरण नहीं कि बड़ घोषणा करसंता मे 1 तारिखर अर्थात मे पहलू से टीकाकरण आरंभ हो नहीं कि ओडिशा प्रस्तुति प्रस्तुत रही कि ILS निर्देशक आमर जनस्वास्थ्य जनस्वास्थ्य जो जनकल्याण विभाग रही यार निर्देशक सूचना दे सारी एवं सेपटे ओडिशा को आज 1,00,000 कोविशील्ड टीका आसी पहुँचुची। किंतु बड़ कथा है 8:45 प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को कौन कहे कौन रहिबर सब बड़ मैसेज वैक्सीन को लेकिन टीकाकरण को लेकिन कोविड मुकाबला को लेकिन देशवासी एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जो कोरोना योद्धा मैंने अच्छा समस्त को मैसेज रिभली भाव भारत प्रस्तुत होउची महामारी लड़ाई में। वर्तमान बड़ खबर बा बिग ब्रेकिंग आम कहीपर 8:45 देशवासी को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहाँ आपण मैंने दर्शक बंधु शुणुंत अर्गस न्यूज रे ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान 8:45 प्रधानमंत्री आसवे एवं देशवासी को संबोधन करेंगे। वर्तमान बड़ खबर बा बिग ब्रेकिंग 8:45 प्रधानमंत्री देशवासी को कौन कहे तापर समस्त नजर रही। आम जदि स्थित देखा भारत में कोरोना संक्रमण स्थिति बढ़िवे लगी सेपटे मृत्यु संख्या बढ़ुची एवं गत 24 घंटार रेकर्ड बहुत चिंताजनक रही। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सेपटे बिहार छत्तीसगढ़ एवं अन्य जो राज्य रोचे सबुठी 40,000-50,000 उपरे कोरोना संक्रमण संख्या बाहर की आसुची। या कोई एवं स्थिति सांघातिक रोचे सेपटे जो विभाग रही स्वास्थ्य विभाग सबु राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर घन घन मीटिंग कराऊ डॉक्टर हर्षवर्धन जी कि अच्छा स्वास्थ्यमंत्री से एने की एक प्रेस मीट करते अनेक गुरुत्वपूर्ण सूचना देते एवं एसबू पर एक सप्ताह जो मानस मंथन चलता यापर एवं प्रधानमंत्री देशवासी को एक बड़ संबोधन करने को जाऊँ। वर्तमान बिग ब्रेकिंग जहाँ न्यूज आसी पहुँचुची पीएम को कार्यालय सूत्र जहाँ खबर आसी पहुँचुची जो 8:45 देशवासी को से गुरुत्वपूर्ण मेसेज दे पारती कोरोना मुकाबला नहीं देशवासी प्रस्तुति एवं किभली रिति किभली लड़े यही महामारी सहित से नहीं कि बड़ घोषणा हो पाए यहाँ आमर नजर रही। दर्शक बंधु आपण आम सहित जोड़ी रुहतु प्रधानमंत्री कौन कहे कि भाव कोरोना महामारी नहीं कि कौन रहा बड़ मैसेज आम अधिक आलोचना करवा मो सहित मो सहयोगी दिल्ली रु सीधासल जोड़ी जाइंट गगन विश्वाल। गगन वर्तमान बड़ खबर बिग ब्रेकिंग कहीपर जे पीएम को कार्यालय सूचना मिलूँ प्रधानमंत्री 8:45 देशवासी को संबोधन करेंगे। आम जब देखा देश में कोरोना स्थिति सांघातिक होपटे प्रधानमंत्री बड़ स्टेप एवं केंद्र सरकार पक्षर टीकाकरण को आहुरी मैसिव करा जाउची कौन रही कौन कहे लगुच गगन
देखो विकास मुझे चाहे जिते भी प्रधानमंत्री किसी मेसेज दवा पीएम कार्यालय पक्षर ही डिक्लेयर कराई कि समय पूर्व कि पूर्व जेहेतु जिते कोरोनार प्रथम लहर भारत वर्ष देखा देता तेणु से लोके आतंकित थे कहीं सर्वप्रथम जिते जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते परवर्त पर्यायर पुणी जिते प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन कले तेणु सीधा साल लोक मैंने अनेक गुड़े नुआ शब्द सहित प्रथम थर पर मानने जी आम कह प्रथम थर पर शुणिले लॉकडाउन कहतु नाइट कर्फ्यू कहतु परवर्त पर्यायर शटडाउन कहतु तेणु निश्चित भाव बर्तमान जेहतु भारत स्थिति बर्तमान अन्य कंट्री तुलन में बहुत वृद्धि पावर लगी प्रतिदिन जो भी भाव में करोनार संख्या वृद्धि लगी विकास दुई सप्ताह पूर्व जी स्थिति बर्तमान कहमी भारत वर्ष में 30,000 केस ना पर डे हिसाब से आम जी देखा कि बर्तमान दुई सप्ताह पर गोटे मस भितर स्थिति संपूर्ण बिगड़ जाती जी केस प्रथम लहर आसी नाठू दुई गुण वृद्धि होती तेणु ये भितर प्रधानमंत्री लगातार भाव तीन दिन जी प्रधानमंत्री कार्य मुझी तीन दिन मधे प्रथम दिन निजर संसदीय क्षेत्र उपर विस्तृत भाव आलोचना कले अफिशियाल स्टाटस ने परवर्त पर्यायर सेकेंड दिन जी कह गत डॉक्टर कहतु बा जो फार्मासी जो कंपनी गुड़िक रही सहित आलोचना कले आज जो वैक्सीन उत्पादनकारी संस्था गुड़िक रही फॉरेन रे किभली भाव वैक्सीन करा किसी फॉरेन कंपनी मान सहित जो विदेश मंत्रालय पक्ष माध्यम आलोचना अच्छी तेणु सबू प्रकार स्टेप गोटे प्रकार गोटे पर गोटे स्टेप सरकार नौकरे सबुठ बर्तमान मुंड व्यथार कारण होती सरकार जो गोटे पर गोटे राज्य बर्तमान ऑक्सीजन डिमांड कर कहीं जो प्रथम लहर आसला विकास आपंकर मन थी से आम पाखे सानिटाइजर नाला मास्क नाला कितु एभली एक नारा देते प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत कथा प्रधानमंत्री आनी सर्वप्रथम लोक कौट ना कौटी गाँ गहली जो बड़ फोकस रे कोरोना महामारी सहित किभली भाव मुकाबला करा जाए तो गगन आउ गोटे कथा आम जो देखा जे टीका जिते बड़े आसी सारी दुई दुईटी टीका संस्था को बड़ दायित्व दिगला टीका उपलब्ध करागला किंतु हठात सेकेंड वेव कोरोनार कड़ लेउटाणी होता जे देश प्रस्तुत नाला जे समस्त भाई कोरोना शेष होगला आउ थे कोरोना हुए तो फेरबनी कितु हठात आसी पहुँची से ही समय जितेबाद देश में टीकाकरण चलता कारण गवर्नमेंट रोटे टार्गेट था यही एति राज्य अच्छी एति भाग दिज्व कि हठात कोरोना जो भाव संख्या बढ़ला ये बड़ चिंता बढ़ाई यही समय भितर जो भाव मसीव रूप से मैसीव जो मिशन चलती स्टेप नि आगुरी 45 वर्षों पर टीकाकरण करा हठात काली गोटे बड़ घोषणा करागला 18 वर्ष रु अधिक टीकाकरण करहती भाव गगन कहीपर जो केन्द्र सरकार बड़ स्टेप नवाक जा देखो निश्चित भाव विकास मुझे भाव कहली जो गोटे पर गोटे राज्य में बर्तमान डिमांड रोचे खास करी ऑक्सीजन सिलिंडर को लेकिन ऑक्सीजन रो जो अभाव रोचे कहीं देखिए गत काली जो भाव अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन कले और सहित से डिमांड कले ऑक्सीजन आम आहरी आवश्यक रही केन्द्र को आम जो सहायता मांगू केन्द्र सरकार जोगई देते कि पर्याप्त नुहे आहरी सहायतार आवश्यकता रही गत काली रात में मुझे कहि दिल्ली को 6 टैंकर जो रही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री तरफ व्यवस्था कर सबू जो जो खास करी जो एलएनजेपी हॉस्पिटल कहतु राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहतु ये एग्जांपल हिसाब से मुझे कहूँ विकास ये हॉस्पिटल गुड़िकर जो ऑक्सीजन रो आवश्यकता थिला 200 रु अधिक पेशेंट थिले जो मानको इमीडिएट ऑक्सीजन आवश्यकता थिला तेणु सहायतार हाथ बढ़े केन्द्र दुई बड़ बड़ मंत्रालय और ऑक्सीजन पहुंच जाता यहपर भाव में अनेक राज्य डिमांड रही खास करी महाराष्ट्र कहतु राजस्थान कहतु बेंगल कहतु आम छत्तीसगढ़ को नहीं पारा आम पड़ोसी राज्य रही आंध्र प्रदेश तेलंगाना अनेक गुड़े राज्य रही खास करी 6 राज्य जोटी बेसी कंडीशन खराब रही 11 राज्य जो टोटल जी कहे 13 राज्य बर्तमान जो केस रही 80% टोटल केस रो 80% केवल 13 राज्य रही अन्य राज्य गुड़िक रही कि स्थिति खराब है खास करी 13 राज्य को लेकिन हुए तो किसी बड़ डिक्लेयर करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवा जेहेतु बर्तमान दिल्ली में लॉकडाउन जारी रही महाराष्ट्र में कर्फ्यू जारी रही अनेक जगार राति कर्फ्यू जारी रही हुए तो राति कर्फ्यू हो दिन में लॉकडाउन हो जो राज्य सरकार मैंने स्टेप नौ भितर किभली भाव जो अत्यावश्यक सामग्री डिमांड रोची बा जो क्षीर कहतु मेडिसिन कहतु ये सप्लाई चेन गुड़िक जो भाव बाधाप्राप्त न हो कहीं गोटे दिन आज लॉकडाउन को होती दिल्ली में किंतु अनेक गुड़े जो माइग्रेंट वर्कर रही घर बाहुड़ापी बाहरी आसे जो बस हो ट्रेन हो सबुठ भिड़ देखा मिलला तेणु कौटना कौटी लोके
बहुत पैनिक हो जाते लॉकडाउन ना शुणुंट कहीं पूर्व लोक मैंने बहुत हईराण हरकतर शिकार होती तेणु हुए तो निश्चित भाव प्रधानमंत्री को जिते संबोधन कथ आसला तेणु समस्त मन को टिके ना कौटि भय छुँची पुणी काले लॉकडाउन कथ डिक्लेयर कर पारती कि प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर पारती कि जनसाधारण को घरे रही निजर काम करने पुणी मागि पारती किसी सहायता लोक किसी साज्य मागि पारती कि लोक किसी रिक्वेस्ट कर पारती या भितर निश्चित भाव प्रधानमंत्री कौन कहे ही जना अच्छी किंतु निश्चित भाव आम एक्सपेक्ट करूँ विकास बर्तमान स्थिति को लेकिन सारा भारत वर्षर जेहेतु स्थिति बर्तमान भयंकर मोड रही खास करी जो जो स्टेट गुड़िक बर्तमान स्थिति संपूर्ण अनायत आड़ को जाऊँ तेणु से जगार हुए तो प्रधानमंत्री किसी मेजर स्टेप नहीं पारती कितु निश्चित भाव प्रधानमंत्री जो भी स्टेप ने विकास जहां भी डिक्लेयर करेंगे राज्य मानक बेसिक आधार हिसाब से ही डिक्लेयर करेंगे कहीं दुई दिन पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी सबू राज्यर खास करी जो ये तेरोटी राज्य कथा कहूँ महाराष्ट्र कहतु पंजाब कहतु तेलंगाना कहतु छत्तीसगढ़ कहतु ये जो तेरोटी राज्य रही जो अधिक स्थिति खराब रही सहित चीफ सेक्रेटरी मान सहित आलोचना करते पुंखानुपुंख आलोचना है स्टेट कौन डिमांड रही गत काली जो प्रधानमंत्री रिव्यू कले कैबिनेट सेक्रेटरी गृह मंत्रालय सहित से मुख्य तीन चार पॉइंट को प्रधानमंत्री फोकस करते आम पाखे केक्सीजेन अच्छी आम पाखे केते वैक्सीन बर्तमान अच्छी एवं जो आवश्यक मेडिसिन जोड़ा कि प्राइमा फेसी कंडीशन रे विटामिन सी हो विटामिन डी हो बा रेमडेसिविर हो ये जो मेडिसिन गुड़िक दि जाऊँ आर स्टॉक आम पाखे केते रही अनेक गुड़े तथ्य प्रधानमंत्री नहीं कि अनुशीलन कर स्थिति को लेकिन निश्चित भाव किसी मेजर डिक्लेरेसन बड़ कथा जो माराथन मंडे क्या कहते गत काली जो मीट गोटे गोटे होता मोदी सरकार केन्द्र केन्द्र जो वरिष्ठ अधिकारी मैंने मीटिंग रे जोगदे थे प्रधानमंत्री निजे समीक्षा करते सब बड़ फोकस था अनेक गुड़े पॉइंट बाहर के आसला कि सब बड़ फोकस और गुरुत्व दि जाऊला जो कोविड सहित लड़ा जाव कि मृत्यु संख्या जमी नियंत्रण रोक लोके मरवे यहीटा था सब बड़ फोकस मेडिसीन ठू आरंभ कर ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन सिलिंडर कथा कह आउ जो सचेतनता कथा कह कि समस्त जो यूनियन टेरिटोरीज अच्छे सब स्टेट अच्छी सबूठी की निर्देश दवा जे अधिक कोविड हॉस्पिटल करा जाऊ बेड संख्या वृद्धि करा जाऊ ऑक्सीजन सिलिंडर जोगाई दिया जाऊ किंतु सबुठ बड़ फोकस थिला गगन आमे कहि परबा गत काली जो मीटिंग होइतला जे मृत्यु संख्या जेमति नियंत्रण रहइबो जेमति लोके महामारी रे लोकों को जीवन न जाऊ गगन दुई सप्ताह पूर्व जी आम मृत्यु संख्या कहवा बहुत कम रेसीो था बर्तमान जी कहे दुई सप्ताह पूर्व मृत्यु संख्या और बर्तमान मृत्यु संख्या भितर पाखापाखि 20% वृद्धि से अनुसार संख्या जो आक्रांत संख्या दुई गुणा तीन गुणा वृद्धि होती तेणु मृत्यु संख्या कौट ना कौटी अन्य फॉरेन कंट्री तुलना आमर बहुत कम रही तार दुई तीन टी कारण कह विकास जो आयुष मंत्रालय हो लोक मानक जो सचेतन कराला काढ़ा पिंतु इम्यूनिट बुस्ट करने कैल्सियम निनेक गुड़े जो तथ्य गणमाम हो सरकार द्वारा कहगला जी जिन आम ने प्रिकसन ने ही आम इम्यूनिट पावर बुस्ट हो पार तेणु से हुए तो आमर बर्तमान मृत्यु संख्या जो मृत्यु रेसीो रही अन्य फॉरेन कंट्री तुलन कम रही किंतु हुए तो या कि प्रधानमंत्री आहरी तथ्य नहीं प्रधानमंत्री गोटे बड़ मेसेज विकास पूर्व जान है तो जहान है तेणु जीवन बंचले ही जीविका बंचव तेणु एक दृष्टि रखिक निश्चित भाव जो कथ कहे मृत्यु संख्या किभली भाव वृद्धि न हो तो मृत्यु संख्या बढ़िवार दुई तीन टी रिजन मुझी जो मैंने जो पेसेंट रही जहाँ को भी ठंडा काश ज्वर हो मैंने भी अफेक्टेड होती बाहर आसुच्च तो कहीं दिल्ली में जी दिल्ली एग्जांपल हिसाब से कह जो मैंने भी दिल्ली को आसते आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी ना कि गत का कंपलसरी करपरी भाव में अनेक राज्य जो रही जो गाइडलाइन रही गोटे क्लीयर कट मेसेज रही ना कोरोना को प्रतिहत करने तेणु कोरोना कौटी बर्तमान अच्छी ट्रेसींग ट्रेसींग कर सठिक ढंग से तेणु हुए तो मृत्यु संख्या आग को वृद्धि हो पाए या एड़े नई पारू बाड़े दि जा नपे कि बर्तमान जो कंडीशन अच्छी यही कंडीशन में आम कि भाव अधिक रु अधिक मृत्यु मुखर पड़ुता लोक को किभली भाव बंचे पार ऑक्सीजन सप्लाई चेन को आहरी किभली भाव वृद्धि करश्चित भाव प्रधानमंत्री गत काली बैठक में फोकस करते गोटे पर गोटे स्टेप नहीं डॉक्टर मान सहित आलोचना कहतु फार्मासीस्ट सहित आलोचना कहतु बाजी टीका उत्पादनकारी संस्था कथा कहतु तेणु समस्त को लेकिन बर्तमान प्रधानमंत्री चाहूंट ये जो महामारी लड़े में बर्तमान समस्ते पुणी थर एक्टिव मुड को आसतु कहीं जो प्रथम लहर जिते भारत बर्ष को आसला गोटे केस को शुणुले विकास लोक मनरे कोकुआ भय सृष्टि होता कि बर्तमान 2 लाख
50,000 परे केस आसुची किंतु लोक माने कोठ ना कोठी खामखियाली मनोभाव नौचंती अनेक गुडी आमे बाजार रे देखुचे लोक माने मास्क पिंधु नांती तनु कोठ ना कोठी जेहेतु टीकाकरण को परिव्याप्त करा गला गां गोले मध्ये टीका मिलुची अनेक जो कम्युनिटी सेंटर रहिची तनु कोठ ना कोठी टिके हल्का मनोभाव पोषण करचंदे लोक माने किंतु आउरी अधिक सचेतनतार आवश्यकता रहुची पुणी थरे जो ग्राउंड लेवल रो वर्कर रहिचंती अंगनवाड़ी कोहंतु आशा कर्मी कोहंतु बा सेल्फ हेल्प ग्रुप कोहंतु बा जो युवक गोष्ठी कोहंतु तांकू पुणी थरे आउरी एक्टिव करिवार आवश्यकता रहुची केवल सेंटर नुए हात सहित हात मिलेगी सब स्टेट रो गगन हात सहित हात मिलाई राज्य केन्द्र को एक्जुट होकर कोरोना महामारी सहित लड़ई करिवार अछि गगन आउ मात्र 2-3 मिनिट रो समय तापर प्रधानमंत्री निजे आसीबे देशवासी को संबोधन देबे कोरोना महामारी सहित लड़ई नहीं कि कौन रहिबो मैसेज तापर समस्त नजर किंतु आमे जदि गत एक सप्ताह देखिबा प्रधानमंत्री जो भाई भाव गोटे पर गोटे बैठक करिले एवं अनेक गुड़े पॉइंट सामना को आसला मुझे किसी तथ्य रखा चाहिए एटी जे गत सप्ताह भितर जो सब स्टेप नि केन्द्र सरकार पक्षर कि भाव से स्टेप कोरोना मुकाबलें बड़ गुरुत्वपूर्ण सब्यस्त हे सब बड़ कथा है लोकों पार्टिसिपेशन जे लोक निजे सचेतन हे निजे जानवे जे वर्तमान महामारी समय निजे निजक बचाई रखापी कि निजे सचेतन होगा जरूरी मास्क एवं सामाजिक दूरता उपर गुरुत्व दि जाता सब बड़ कथा है जोटा कि द्वितीय पॉइंट था जहाँ प्रधानमंत्री समीक्षा पर आसाला ता हूँ टेस्टिंग ट्रेसींग ट्रिटमेंट टेस्टिंग ट्रेसींग ट्रिटमेंट यहीपाई जे कोरोना लक्षण देखागले सीधासल निज निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र को जातु स्वास्थ्य अधिकारी आपण को जांच करेंगे तापर ट्रिटमेंट आरंभ हे मृत्यु संख्या जमी कम र ट्रीटमेंट द्वारा ए रोग को जमी निपात करहब कि रोग लोक बचा जापर ताकि सब अधिक फोकस दिया प्रथम तो सचेतन करवा द्वितीय जहाँ हेल्थ अवेलेबल अच्छी जहाँ भी स्वास्थ्य पाई लोक बचा जावाई जो सब समाधान साधन अवेलेबल अच्छे से सब गुरुत्व दिया थर्ड पॉइंट थी अवेयरनेस क्रिएट करवा जो दायित्व थिला प्रशासन राज्य सरकार कि यूनियन टेरिटोरीज जो अच्छी से सबको निर्देश दिगला जे अवेयरनेस कैंपेन आरंभ हो लोक भितर अवेयरनेस आसू जे महामारी सहित लड़े चली हालाका भाव न ग्रहण करूँ जीवन प्रति विपद कारण ये को आगुरु जो बीमारी होता से भाई किसी नुह थंडा ज्वर काश सेमती किसी नुह जे सप्ताह भितर छाड़ गत वर्ष भी यार फास्ट वेव लोक मैंने देखी थे एवं सेकेंड वेव कोरोनार कड़ लेटाणी सह स्थित अधिक सांघातिक भाव जाऊँच एने कि प्रधानमंत्री आगुरु ही क्लीयर कट कथा कही निर्देश सब राज्य को जारी करदे सबुठ बड़ कथा थी एवं प्रधानमंत्री संबोधन सीधासल आसतु नजर पकड़ा कौन कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिस कर्मी सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी
अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का
बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो, प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया।
आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का
हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज सातवां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को संबोधन देले, पाखापाखि 15 मिनिट अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा कहले। खास करके लॉकडाउन को नहीं कि एक बड़ कथा कहते जे सबू राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल लॉकडाउन को केवल शेष एवं अंतिम विकल्प भाव रखी था, लॉकडाउन घोषणा करूँ ना, जमीती कम प्रभावित कर लोक मूबा जनसाधारण कम प्रभावित हे से दिगरे अधिक दृष्टि दिंतु, एवं मेडिसिन फार्मा कंपनी एवं वैक्सीनेसन मैसीव वैक्सीनेसन ड्राइव सह यही जो सेकेंड वेव कोरोना कड़ लेटाणी जो सेकेंड वेव आ सहित फाइट करने एक बड़ आह्वान देते आप शुणुते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ आह्वान थी जे केन्द्र सरकार पदक्षेप नि टीकाकरण को मैसीव कर सब बड़ कथा प्रधानमंत्री निज अभिभाषण से देशर समस्त युवपीढ़ी एवं छोट पा अनेक गुड़े स्टेप नापी निज घर लोक किभली बाहर को न जावापी से दिगरे से माने केमती कार्य करिवे से नै कि अनेक गुड़िया परामर्श मध्ये देइछन्ती। खास करके युवपीढ़ी मानू कहिछन्ती जो सोसाइटी रे से माने रहउछन्ती, जो स्थान रे जो गाँव में रहउछन्ती सेठारे छोटो छोटो ग्रुप करिकी से माने निज अंचल रे सचेतन अवेयरनेस अधिक अवेयरनेस करंतु, अवेयरनेस फलांतु लोक मानक मध्ये रे लोक मानक अधिक सचेतन करंतु छोटो छोटो ग्रुप रे। खास करके छोटो पिला मानक मध्ये अनुरोध करिछन्ती जे से माने निज परिवार सदस्य मानक मध्ये रे एमिति माहौल बनांतु जे से माने जेमिति बाहर को न बाहरिबे एवं कोरोना सचेतनता जेने कि जो सब कटकणा जो सब गाइडलाइन जारी कर सब कु अनुपालन करेंगे। मोटामोटी भाव कह गले प्रधानमंत्री देशवासियों को यह आह्वान देते महामारी सह लड़ई रे कम प्रभावित हो लोक माने यही लड़ई को जितिबे, कोरोना को हरेबे एवं सबू राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल जो सब प्रशासन प्रशासन को निर्देश दि जाइए जो भाव मासिव वैक्सीनेशन ड्राइव मे एक रु कर आगु को बढ़ाई नेबे। एवं सबुठ बड़ कथा हला जो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प भावे से माने जेमती बाछंतु शेष विकल्प भावे रखी था लॉकडाउन करंतु नाही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहाँ निज अभिभाषण कहते अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे से आलोचना करिसेंती, देशवासियों को अनेक आह्वान देइछेंती, युवपीढ़ी को एवं छोट पानी कि खास करके आश्वस्ति प्रदान करिसेंती देशर फार्मा कंपनी मैंने एकजुट होइकी लड़ाई रे देशवासी सहित अच्छा। खास करके टीकाकरण को मैसीव करने कि जो सब मेडिसिन अवेलेबल रही लोक जहाँ नेसेसिटी अच्छे से सबू को से माने केमती पहुँचाइबे पाखे से दिगरे से एकजुट होकर कार्य करेंगे। एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा जहाँ कर प्रधानमंत्री जहाँ कहीपर से शेयर करतमान स्थित रही जहाँ भी स्थिति रही लोक मैंने एकजुट होकर लड़ापी से आह्वान देते। अधिक अपडेट पर गगन विश्वाल मो सहयोगी दिल्ली जोड़ जाते गगन आज प्रधानमंत्री अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण दिग उपर आलोचना कले, देशवासियों को आह्वान दे सब बड़ कथा
से लोकंको आश्वस्ति करिसेंती एवं कहिसेंती जे लॉकडाउन केकु शेष विकल्प भाबे रखितांतु केबे घोषणा करंतुनी एवं कम प्रभावित करी लोकमानंकु जनसाधारण किबळी भाबे कम प्रभावित हेबे एवं एही जो सेकंड वेव सहित देश लड़ी परिबो गगन देखो निश्चित भाबे विकास दुई तीनटी मुख्य कथा मु कहिबी प्रधानमंत्रीक सबुठु बड़ मेसेज होउची जो प्रथम लहर जेते आसला भारत वर्ष रे समस्त मन रे बेसी भयभीत थिले जेहेतु वर्तमान केस बढ़ी जाउची तेणु लॉकडाउन लॉकडाउन रो सबुठु बड़ भय थिला एवं जेते बेले मध्य पूर्व जेते बेले आमे अधघंटे पूर्व जेते बेले विकास डिस्कशन करतुले सेते बेले मध्य मन को छूतला मोर मध्य मन को छूतला जे हुए तो प्रधानमंत्री पुणी थे लॉकडाउन पई घोषणा करि पारंती किंतु सबुठु बड़ मेसेज प्रधानमंत्री जे लोकंकु आश्वस्ति कला भली मेसेज देइछंती लोकंकु सोहेला भलिया कथा कहिछंती लोकंकर जीविका को वर्तमान प्रायोरिटी देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जदि कौनसी जगार लॉकडाउन होउछि आमे दिल्ली रो स्थिति देखिले दुई दिन लॉकडाउन को आज हजार हजार संख्य में माइग्रेंट वर्कर जो रही डेली वर्कर रही घर को फेरिया बाध्य होती कहीं मनरे से डाउट रोचे काले हुए तो आउ थे लॉकडाउन राज्य सरकार वृद्धि करदे कि तेणु या गोटे बड़ मेसेज देते राज्य मानू रिक्वेस्ट कर लॉकडाउन न करने यथासंभव किभली भाव अधिक रु अधिक लोकों भितर जो कथा आम पूर्व कहते जो लोकों मध्य जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रही गाँव में जो कम्युनिटी हल रही गाँव में जो क्लब गुड़िक रही सेल्फ हेल्प ग्रुप रही तेनाली आउ थे किभली भाव एक्ट मोड रे अणा जाई परबो से लोकमानंकु जो भलिया प्रधानमंत्री गुडे बडा मेसेज देले विकास जे मोर बाल्य बंधु माने छोटो छोटो पिलांकु वर्तमान से निजरो मित्र बोली कहिसेंती एवं पूर्व समय रे सेमाने मध्ये निजरो बापा जेतोले घर को बाहर को जाउतले कि घर को प्रवेश कला समय रे छोटो छोटो पिला माध्यम मध्ये जो परिवार वर्ग जेतोले बाहर को जाउतले सैनिटाइज करंतु भीतर को जांतु बाहर को गले मास्क पिनंतु एबोले जे गुडे मेसेज दउतले छोटो छोटो पिला माने मध्ये कविता माध्यम रे अनेक पिला रहिसेंती कटक रो कि दिन पूर्व जे अभिनेत्री जो झील रही है सी गोटे पुस्तक लिखी लॉकडाउन को लेकिन तेणु अनेक गुड़िया भारत वर्षर छोट कुनी कुनी पिला माने निजर मत को जाहिर करछन्ती किए पुस्तक माध्यम रे किए कविता माध्यम रे किए गीत माध्यम रे तेणु ये गोटे बड़ मेसेज प्रधानमंत्री देछन्ती पुणी थरे से ही छोट छोट पिला रिक्वेस्ट करछन्ती जो मैंने तुम घर बाहर को जाउछन्ती काहा को ज्वर काश थंडा होउछि कहीं देखिए घरे जदि गोटे छोट पिला कौन कथा को कहे तार जो बड़ लोक मान रही बेस गुरुत्वर सहित शुणती से कौन कहूँ तेणु गोटे छोट पिला जो मेसेज दब ता बड़ मेसेज बड़ लोक जाएँ द्वितीय कथा मुझे कहबी प्रधानमंत्री जो मेसेज देते विकास जे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कथा कहतु मेडिसिन कथा कहतु टीका कथा कहतु कहीं जेहेतु टीकाकरण को अधिक परिव्याप्त करीका उत्सव किसी दिन पूर्व आम पालन कले सारा भारत वर्ष बर्तमान वैक्सीनेशन को जो 18 वर्ष रु लिमिट कर 18 वर्ष रु ऊर्ध समस्त व्यक्ति बर्तमान वैक्सीन नहीं पारे ये सबुठ बड़ आश्वस्तिकर खबर पूरा भारत वर्ष कहीं सबुठ अभोग आसला जे आम कहीं नहीं पार्वन खास कर युववर्ग जो मैंने अफेक्ट होते कौन पर जी जे युवक अफेक्ट हो तार किसी हार्म हो तेणु से पर बड़ क्षति तेणु 18 वर्ष रु जो अधिक वयस्कर लोक मान रही से अधिक प्रायोरीटी दि जाइए पूर्व अनेक विचार विमर्श कला स्टॉक देखला प्रधानमंत्री हुए तो यह मेसेज निष्पत्ति निया जाइथिला एवं केंद्र सरकार निष्पत्ति नेले जे वर्तमान आम 18 वर्ष रु ऊर्ध व्यक्ति को मध्य वैक्सीन दे पारू अनेक राज्य अभियोग आसला ओडिशा मध्य आलिगेशन आनीला जे अनेक गुड़िया केन्द्र आमर बंद हो जाइए शॉर्टेज ऑफ टीका तेणु ताकू वर्तमान दूर करने आज जो उत्पादनकारी संस्था आम रही सेमानंक सहित प्रधानमंत्री आलोचना कले जे किभली भाबे टीकाकरण को आहुरी जो उत्पादनकारी संस्था रही आहुरी वृद्धि करमर डिमांड जो रही दिनक दिन जेहेतु डिमांड बढ़िवार लगुच कहीं जो अनुपात आमर जो रेसीो बर्तमान संख्या वृद्धि होबार लगुच रोगी संख्या तेणु से ही अनुसार टीकाकरण डिमांड बढ़िवार लगुच तेणु से डिमांड को देखिकी बर्तमान निश्चित भाव प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर सब उत्पादनकारी संस्था को निश्चित भाव तुम टीकाकरण जो उत्पादनकारी गत काली जेभली भाबे डॉक्टर को सांग नवा मेसेज देले आज उत्पादनकारी संस्था को गोटे मेसेज देते यदि आम टीका को आहरी उत्पादन बढ़ेगा हुए तो आम आवश्यकता को पूरण करना गोटे वर्ष पूर्व गोटे वर्ष भितर जो गैप सृष्टि विकास कहीं लॉकडाउन जदि पुणी थे आउ थे लागू करेणु अर्थव्यवस्था पूरा भारत वर्ष भूजुड़ी जीव तेणु से हूं तो प्रधानमंत्री बड़ मेसेज देते आउ लॉकडाउन नुहे बर्तमान निज घर रहा प्रधानमंत्री का आह्वान थिला जहाँ आज संबोधन जहाँ बड़ कथा सामना को बाहर की आसूँ सरकार प्रथम जो फर्स्ट वेव बाहर की आसी से जो सब पदक्षेप नहीं थे कड़ा स्टेप नहीं थे लॉकडाउन इम्पोज करते सबू पूरा सबू राज्य सब यूनियन टेरिटोरीज लॉकडाउन करनेक दिन धरी लॉकडाउन रहा दुकान बजार सबू मॉल सबू जो सबू
जहाँ भी रही जो अर्थ सेक्टर जहाँ भी इकोनोमिक सेक्टर हो कि जहाँ भी आम शिल्पायन रही सबकि बंद पड़ जाता से सबको आउ थे रिपीट करने को प्रधानमंत्री केवे भी चाहूना एने की बड़ आह्वान देते लॉकडाउन को शेष विकल्प भाव रखि था कारण लड़ई एवं जारी रही आउ गोटे कथा जदि कह सब बड़ कथा है टीकाकरण नहीं कि 45 वर्ष रु ऊर्ध लोक टीकाकरण कि आगु जहाँ निष्पत्ति निला बर्तमान जहाँ आज घोषणा था जे टीकाकरण फ्री र 18 वर्ष रु मे एक रु दिया जीव सरकारी हॉस्पिटल ले समस्त को मागणा टीका दिया जीव आमे अधिक आलोचना करिबा प्रधानमंत्री को एही आह्वान परे राज्य रे किभली स्थिति रही छि संबलपुर मो सहयोगी मळे जुड़ी जाइछन मळे आज प्रधानमंत्री एक बड़ा आह्वान देले जे लॉकडाउन एक शेष विकल्प किंतु वर्तमान स्थिति रे लड़ई जारी रहइबो प्रशासन एवं राज्य सरकार समस्त को एक बड़ा आह्वान दिया जाइछि मळे निश्चित पक्षे विकास देखु गोटे प्रकार बर्तमान समय जो भाई स्थित राज्य में उपजुच्छी सारा देश में जो भाई कोरोना स्थित उपजुच्छे या मन लोक मन अनेक द्वंद्व सृष्टि होता जे पुणी लागू हो पारे कि लॉकडाउन किंतु वर्तमान समय जो भाई भारत प्रधानमंत्री घोषणा कर लॉकडाउन होची शेष विकल्प जिते बे स्थिति खराब हे से समय लॉकडाउन को अपणाते बोले गोटे प्रकार अपील करतमान समय राज्य में खुशी लोक मन में कौन प्रकार आश्वस्त खबर आते बेले लॉकडाउन हो पार नहीं लॉकडाउन जिते बेले शेष ये लॉकडाउन होची पूरा शेष समय निष्पत्ति लॉकडाउन कौन प्रकार वर्तमान समय आवश्यक होनी बोल हेबनी बोल जहाँ कह अंपटे देखा जो 1 तारिख रु 18 वर्ष ऊर्ध लोक जो टीका दे ये घोषणा बड़ निष्पत्ति ये घोषणा को लेकिन आपड़ देखु वर्तमान समय लोक मन में गोटे आश्वस्तिकर खबर आसते टीका वर्तमान समय ने समस्ते सुस्थ रे जो टीका द्वारा कि रोग मुक्त हो पारे कोरोना मुक्त हो पारे बोली वर्तमान समय कहुची अगर कथा जो देखा आज जो भाई भाव प्रधानमंत्री संबोधित करते जे वर्तमान समय भारत अनेक लड़े वर्तमान समय बने गत थर रु वर्तमान स्थित सामान भाया रही कथा कहते भारत में बने अनेक गुड़े रही औषध कंपनी रही जो माने कि टीका को सुचारू रूपे परिचालना करा कि अंपटे देखा वर्तमान समय आपड़ देखते राज्य स्थिति जो भाई वर्तमान समय प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण आसूची कोरोना संक्रमित चिन्ह हो वर्तमान समय प्रधानमंत्री कहते जे लॉकडाउन घोषणा न करूँ यदि लॉकडाउन घोषणा कले संपूर्ण भाव अर्थनीति अर्थव्यवस्था उपर भूसुड़ी गोटे प्रकार कह निश्चित देखा ये पूरापूरी जिते बेले कह वैक्सीन को अधिक गुरुत्व देवा कथा प्रधानमंत्री कहते आम सहित जोड़ रुंतु सीधा सड़क जा पूरी सेठार मो सहयोगी आलोक अच्छा आलोक आज प्रधानमंत्री देशवासी को आह्वान देते खास करके टीकाकरण नहीं गुड़े कथ आरंभ हम टीकाकरण प्रक्रिया जहाँ गोटे मासिव स्टेप कहीपर केन्द्र सरकार का सब बड़ कथा है देशवासी को आह्वान देते प्रधानमंत्री जे सचेतन हूँ शेष विकल्प लॉकडाउन किंतु लड़ई एवं जारी रलोक देखु विकास आम कहीपर सका प्रधानमंत्री जो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार जो बड़ घोषणा करते 18 वर्ष ऊर्ध जो व्यक्ति हूँ युवपीढ़ी हूँ समस्त को वैक्सीनेशन निश्चित भाव में यह एक गोटे बड़ खबर था युवपीढ़ी यह निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदकेप कारण समस्त 60 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति मानक वैक्सीनेशन कर 45 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति मानक वैक्सीनेशन कर 18 वर्ष ऊर्ध युवपीढ़ी हूँ व्यक्ति हूँ केवे वैक्सीनेशन जो आशा आशंका था तारी पूर्णच्छेद पकड़ कि बड़ कथ हूँ आज जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी संबोधन कर निश्चित भाव तीनोटी दिग उपर विशेषकर आलोकपात कर प्रथम हूँ ये महामारी समय चलती महामारी समय धैर्य हरवा कथ सी मना करर सहित अपेक्षा करूँ धैर्य रुंतु कारण कठिन महामारी समय निश्चित भाव में आम जब मुकामिला करवा निश्चित भाव महामारी प्रतिहत हम एवं द्वितीय कथ हूँ जो सहर मुहाँ जो प्रवासी मैंने होती से सहर मुहाँ प्रवासी मान ना सी मना कर तृतीय कथ हूँ छोट पा हूँ कि युववर्ग हूँ समस्ते गोटे गोटे कमिटी करेंगे जी जो भी रही थो से सचेतन करेंगे से कमिटी द्वारा से जनसाधारण मानक सचेतन करेंगे किभली भाव बेसी बाहर को जातु ना कोरोना को मुकबिला करूँ मास्क परिधान करूँ सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करूँ और हाथ को सानिटाइज करूँ निश्चित भाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये जो देशवासी को उद्भावन निहाती भाव में अन्य मान को बहुत लोक मान प्रेरणा जोगे और बड़ कथ हूँ जो सम्मुख योद्धा मान को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहींपर धन्यवाद देखते निश्चित भाव में आज जानते महामारी समय से डाक्तर हूँ फार्मर फार्मासीस्ट मान हूँ आंबुलांस ड्राइवर हूँ पुलिस विभाग हूँ गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ जबली भाव निज जीवन को बाजी लगे परिवार ठारू अलग रही कि भाव में जनसाधारण को सेवा कर सचेतन करते निश्चित भाव में सम्मुख योद्धा मान को प्रधानमंत्री आज विशेषकर धन्यवाद अर्पण कर
बड़ कथा हूँ यही महामारी समय कहीं किभली भाव में धैर्य न हरातु एवं जो कथा आप कहते जदि आम सचेतन रहा युववर्ग जदि लोक सचेतन करेंगे छोट छोट पाने पर लोक सचेतन करेंगे तेज कौन से लॉकडाउन सटडाउन आवश्यकता है तो निश्चित भाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन निश्चित भाव में समस्त गोटे प्रकार प्रेरणा जोगे विकास प्रधानमंत्री उद्बोधन समस्त को प्रेरणा जगह बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आम सहित जोड़ ही रुहतु देशवासियों को एक बड़ा आह्वान देते प्रधानमंत्री खासकर युवपीढ़ी को आह्वान देते सचेतन हूँ एवं सचेतन करातु निज ग्रहण में निज सोसाइटी निज जो जगार से जो लोक मैंने समस्त को किभ कोरोना महामारी रक्षा कर दिगरे अधिक सचेतनता सचेतनता बार्ता फैलवाई कि निर्देश देखा आम समस्त एक बड़ मेसेज देखते अनेक गुड़े दिग बाहर आसे गुड़े पॉइंट बाहर की आसूरी प्रधानमंत्री गत एक सप्ताह धरी माराथन कहींपर मंडे दिन तो बहुत गुड़े बैठक होता और अनेक गुड़े तथ्य सामने को बाहर संध्या बेले एक बड़ निष्पत्ति निगला 18 वर्ष अधिक लोक जो युवपीढ़ी अच्छे टीकाकरण कर बालेश्वर मो सहयोगी प्रकाश जोड़ी जाइंट प्रकाश प्रधानमंत्री आह्वान देश एकजुट हो कोरोना महामारी सहित लड़ब टीकाकरण प्रक्रिया को मैसिव करने को निर्देश सबुठ बड़ कथा है लॉकडाउन शेष विकल्प लड़ई जारी रहा कह जे लॉकडाउन हेबनी प्रभावित लोक मैंने केमती कम हे कि महामारी सहित लड़ई जोरदार हे प्रकाश देखो विकास प्रधानमंत्री जिते भी जेकोसी निष्पत्ति नियंतु सब देशवासी को हित पर निष्पत्ति नहीं थे ठीक आज जो भाव देखते जो भाई कहले प्रत्येक राज्य सरकार को मानने अनुरोध कर प्रधानमंत्री जे कि जो लॉकडाउन कथा कह लॉकडाउन को शेष विकल्प अर्थात सरकार शेष पर्यायर लॉकडाउन को आम अपणवा अर्थात जिते गत वर्ष जो भाई देखी लॉकडाउन सटडाउन फल देशवासी समस्त राज्यवासी आर्थिक मानदंड गोटे प्रकार दोहरी जाता ताक लक्ष्य कर शेष विकल्प भाव जो कथा कह लॉकडाउन को अपणापी एवं जो टीकाकरण प्रक्रिया कह टीकाकरण प्रक्रिया मेसिव करने कि बर्तन आम देखा जेहेतु आम सहित अच्छा बालेश्वर बुद्धिजीवी अच्छा विजय पाणिग्राही सहित आलोचना कराया जाए कि प्रधानमंत्री निष्पत्ति को केते दूर लोक मैंने ग्रहण करेंगे राज्य सरकार केते दूर ग्रहण करेंगे एटा तो समस्त गोटे प्रकार सुविधा एवं सहज उपाय कहीं जेहेतु आमर संघर्ष जारी रही आम कोरोना सहित लड़ई करछंती कथा को प्रधानमंत्री बारंबार दोहराउछंती एवं निष्पत्ति निष्पत्ति को कौ भाव देखुं राज्यवासी से विषय में आलोचना कराया आज्ञा देखो प्रधानमंत्री आज निष्पत्ति ने लॉकडाउन को शेष विकल्प भाव समस्त राज्य सरकार निष्पत्ति देखुं मेसिव टीकाकरण को 18 वर्ष कम पिला टीका देवाई भी 1 तारिख निष्पत्ति केमी देखुं निष्पत्ति देखो आज्ञा आज दिन में आम धन्यवाद देवा दरकार जे भारत वर्ष जो आम जो यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छा पाई आम समस्त गर्व गर्वित आप देखु द्वितीय लहर चली प्रथम लहर बेले भी आम समस्त धैर्य एवं साहस दौले माननीय प्रधानमंत्री दौले आज दिन में भी आज जो से बड़ घोषणा कर देखते गोटे कथा बर्तमान भारत वर्ष गोटे प्रोग्रेसिव अवस्था अच्छी अवस्था से कही लॉकडाउनटा हूँ सब क्लाइमेक्स जदि किसी न हो पार कौन से अल्टरनेटिव ना से जगह लॉकडाउन हो कहीं लॉकडाउन करने द्वारा जी देखो आज्ञा जी आम जीवन बचार आवश्यकता भी अच्छी से आम जीविका को भी बचेवा को आवश्यकता पड़ी देशर अर्थनीति दृष्टिकोण जदि भी चिंता करवा आम तेब तेबर कहवा कथा हो जदि आम द्वितीय लहरटा हू हू हो बढ़ुची तार आग सिम्टम सागर तार किसी संपर्क रोनी ये ठीक कथा कितु एट दि सेम टाइम आमको देखा पड़ो जे आम एटा नुआ फेस करूनु आम एटा सेकेंड स्ट्रेन रे चली छु तेणु एटी केवल जदि आम सामाजिक दूरता मास्क पिंधा एवं जदि बारंबार सानिटाइज करवा आवश्यक नथिले आम बाहर को न बाहर जदि एति की रोका जाई परिवो ताले हुए तो लॉकडाउन आवश्यकता न पड़ी पारे तेणु बड़ कथा से गुरुत्वारोप कर माइक्रो कंटेनमेंट उपर से गुरुत्वारोप कर कहीं देखो आज्ञा लॉकडाउन करदे बेलू समस्त क्षेत्र में विपत्ति घटू एपटे घरे रही भी कौन हो आम जो भयर आतंकित अवस्था रोचु से अनेक समय असुविधा रोचे तेणु से दृष्टि मान्यवर प्रधानमंत्री कहते भय कर किसी कारण ना आपको आमको सामना करवाक पड़ो भय कले आम बची जापर सेमती किसी ना तेणु एटी केवल दुईटा कथ बेस गुरुत्व से देखते जदि आवश्यक अच्छी तुम्हें बाहर जरूरी जदि अच्छी तेल एति की प्रिकसन नहीं कि बाहर ताल हूँ तो आम एटा संभा कहीं मोप मुझे जी सुचिंत ना उचित
मो समाज से सुचिंत होगा उचित कहीं हूँ वर्तमान जो परिप्रेक्षी एक कथा कहुच्छी आपत देखु जदि वर्तमान लॉकडाउन आरंभ हो जाए किसी राज्य से मैंने लॉकडाउन कहीं सेठिकार तो राज्य सरकार से कहे कि लॉकडाउन पर जो स्थिति आप देखते श्रमिक मान क्या कहतु भयावह परिस्थिति सृष्टि होगा तेणु बर्तमान 130-140 कोटी रोकवा देशर लोकर लोक यदि आम प्रधानमंत्री जन पाई धैर्य और साहस बची पार तेणु मुझे निर्दिष्ट भाव में गोटे कथा कहबी जो माननीय जो प्रधानमंत्री जहाँ कही आम जदि वर्तमान डाटी पॉलिटिक्स छाड़दे और राज्य राज्य भितर जब कादु फोपड़ा पड़ी न होगा केन्द्र सहित जो राजनीति न करवा निश्चित भाव मानवाक आवश्यकता अच्छी कहीं आज दिन में देखूँ जदि आम कहारी परामर्श न मानवा आम धर्यच्युत घटी एत बड़ देशर लोक जो भाई भाव में माननीय प्रधानमंत्री देखो मे 1 तारिख आरंभ करदे 18 वर्ष कौन सी एज आउ रखिले ना विभिन्न समय विभिन्न पदक्षेप से नहीं चलते टोटाली से कम कर किभली भाव में कोरोना को आम मत कर रोका जापर तेणु एभली परिस्थिति भितर जदि लॉकडाउन सटडाउन कर दिया जाए लोक आहरी बेस आंदोलित हे आतंकित हे और जहाँफल कि मृत्यु रेट बढ़ी जापर से ही बड़ कथा देखुले जो भाई आम बुद्धिजीवी विजय पाणीगढ़ प्रतिक्रिया शुणुते जो भाई कहते प्रधानमंत्री जो निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार जो भाई अब अनुरोध कर लॉकडाउन हूँ शेष विकल्प तेणुक समस्त को मानवार आवश्यकता अच्छे जेहेतु कोरोना द्वितीय स्ट्रेन अर्थात आम प्रथम लहर जिते आम सामना करते परवर्त समय लोकंर समस्या कथा समस्त लोक जानते ताकि अनुभव कर प्रधानमंत्री यह निष्पत्ति नहीं प्रत्येक राज्य प्रधानमंत्री यह निष्पत्ति को मानवा दरकार सहित लोक मैंने भी एसबू जिन प्रति सजग हबार आवश्यकता अच्छी सचेतनता हबार आवश्यकता अच्छी से प्रधानमंत्री एभली एक चिंताधारा नहीं कि देशवासी को संबोधित कर तो देखिया 130 कोटी लोकों मनरे जो भाई भाव आवेग उद्वेग रही तो यह सबको को लक्ष्य कर प्रधानमंत्री जो निष्पत्ति नौकरी तो से सब को समस्त मानिया दरकार जाए आम करोना द्वितीय स्ट्रेन जो अच्छी ताको आम मत दे पार विशेष विकास निहत भावे जहाँ प्रकाश मोर सहयोगी कहते सचेतन हबार आह्वान दूसरे सहित सेठकर वरिष्ठ जनता प्रधानमंत्री आज देशवासी जो संबोधन कर गुरुत्वपूर्ण कथा सामना को आसूँ लॉकडाउन हो अंतिम विकल्प मोदी कहते लॉकडाउन बचाक राज्य सरकार काम करूँ एवं आमपाई अंतिम विकल्प हो लॉकडाउन एवं खास करी माइक्रो कंटेनमेंट जोन को अधिक गुरुत्व देवाई राज्य सरकार को अनुरोध कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मलय अच्छा मो सहयोगी मो सहित मलय जदि देखा कंटेनमेंट जोन कथा आगु कहुला कि भाव संक्रमण जोठू व्यापुच सही अटका जा रखा जापर प्रधानमंत्री आज से ही कथा को दोहराइले जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन उपर अधिक गुरुत्व दि जाऊ मलय देखो विकास वर्तमान समय आप जो कथा कहते कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन को अधिक गुरुत्व दि जाए बोली प्रधानमंत्री निजे अपील कर तो ये तो बड़ आश्वस्तिकर खबर जे सारा राज्य में वर्तमान समय जो भाव स्थिति उपजुच्छी जो जो अंचल जो जो जिला मानक जो कोरोना संक्रमण गोष्ठी संक्रमण हो जो जो प्रकार संक्रमण हो तो से अंचल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा करूँ कहीं वर्तमान समय जो भाई स्थित हो तो सटडाउन लॉकडाउन ये कथा को अधिक गुरुत्व न दिंतु लॉकडाउन को कौन से प्रकार गुरुत्व न दिंतु सीधा सख कहते केवल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा कले से अंचल को बोधे मुक्त हो पाए कोरोना संक्रमण कमी पारे जहाँ आशा कराई जहाँ कहते अंपटे जब देखा बर्तमान समय जेहतु कहते कि भैक्सीन को अधिक गुरुत्व दिजो समस्त सरकारी हस्पिटाल भैक्सीन पूरा पूरी मागणा मिल जहाँकि बर्तमान समय देश में पूरा पूरी कम दाम भारत देश में बर्तमान समय भैक्सीन मिलू जहाँ नहीं कि अधिक लोके गुरुत्व तत्परता होगा कथा लोके समस्त भैक्सीन ने कथा कहते अंपटे जब देखा बर्तमान समय जेहतु कि 18 वर्ष ऊर्ध लोक बर्तमान समय जो टीका दिज्व अंपटे जब गोटे कथा कहते अधिक बर्तमान समय लोक सचेतन रहा आवश्यक हो पड़ी कहीं सचेतन रही कौन प्रकार आगे स्थित न स्थिति न उपजे लॉकडाउन कौन प्रकार आवश्यक मन में निजे सुरक्षित रहा अन्य को सुरक्षित रहा ये गोटे बर्तमान समय बड़ अपील करते अंपटे जो भाई लड़े कर समस्त जो कोरोना योद्धा गोटे प्रकार संबोधित करते लड़े जो बर्तमान समय एभली स्थित स्थित सांघातिक होगा जीवन बोली गोटे प्रकार कहला तो निश्चित पक्ष देखा आज जो भाव मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो भाई विभिन्न दिग्वे गुरुत्व देखिए कहते ये वर्तमान समय आम ठीक जगह देशवासी को आह्वान देखते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लॉकडाउन हो अंतिम विकल्प
लॉकडाउन बचापी राज्य सरकार काम करूँ एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन उपर अधिक गुरुत्व देवाई राज्य सरकार मानक अनुरोध कर प्रधानमंत्री मोदी आज 8:30 बेले देशवासी को संबोधन कर प्रधानमंत्री एवं देश में जो मासिव टीकाकरण अभियान आगक आरंभ हो जाए अर्थात मे एक रु मे पहलू देश में समस्त 18 वर्ष अधिक युववर्ग मान टीकाकरण प्रक्रिया सामिल करने घोषणा करने की अनेक कथा कही प्रधानमंत्री खास करके युवपीढ़ी मान सामिल होती ये जो कोरोना लड़ई में आउ गोटे कथा जो पॉइंट कथा कहु श्रमिक मान राज्य सरकार भरोसा दिंतु जोठे अच्छा से रुंतु व्यवस्था करूँ एवं केन्द्र सरकार टीका सेठे देवाई प्रयास कोविड अनुशासन समस्ते पालन करूँ एने की प्रधानमंत्री आह्वान देखते देश एक बड़ लड़ई लड़ुची आमको दृढ़तार सह या सामना करने को पड़ खासकर पुलिस डाक्तर एवं सफे कर्मचारी मानकर जिते प्रशंसा करवा हूँ तो कम पड़ प्रधानमंत्री यह कहते कोविड योद्धा मान अवदान बहुत रोच सेकेंड वेव बेले फार्मा कंपनी मैंने देशवासी सहित एकजुट हुई ठिया होती बालेश्वर जावा बालेश्वर मो सहयोगी प्रकाश अच्छा प्रकाश सब बड़ कथा है आम राज्य ओडिशा कथा देखा ताप सब बड़ चिंता है प्रवासी प्रवासी फेरबे और से एमतिया राज्य फेरबे जो संक्रमण अधिक रही से नहीं कि राज्य सरकार मान व्यवस्था करने प्रधानमंत्री एक प्रकार अनुरोध कर प्रकाश देखो विकास जो भाई एवं एक कथा जो आसूँ गत थर प्रथम लहर जो करोना आसला पश्चिम बंग फेरता मैंने राज्यर विभिन्न जिलार चिंता बढ़े ठीक यह लक्ष्य कर जिला प्रशासन पक्षर गत काली पुलिस विभाग मुखिया जे एसपी अच्छा तो सी जाते जिलापाल जाते जो सीमांतवर्ती अंचल अच्छी पखापाखि 72 गाँ अच्छी पश्चिम बंग और उड़ीसा को लगिकी से सबू अंचल परिदर्शन करते कौ भाई भाव गत थर जो भाई भाव पश्चिम बंग फेरता मैंने चिंता बढ़े ताथर नहब से लगी से सब सीमांतवर्ती अंचल सरपंच स्थानीय प्रशासनिक जो अधिकारी अच्छा से आलोचना करते कड़ा नजर रखापी गत दृष्टि देते जो भाई भाव कहुच्छे कि एथर जो भाई भाव छत्तीसगढ़ फेरता मैंने आम राज्य चिंता बढ़े से कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुच्च ठीक गत थर ठीक से भाई पश्चिम बंग फेरता मैंने चिंता बढ़े यह लक्ष्य कर एथर जिला प्रशासन पक्षर आगुआ सचेतन होती स्थानीय लोक एवं जनप्रतिनिधि जो मैंने अच्छा से सचेतन करा निर्देश देखते जो मैंने भी आसबे जी गोटे प्रकार आम कह विकास आंतराज्य बस सेवा को बर्तन बंद कर काले कौ मैंने पलिजे और सेपटर पलि आसवे तो ताको लक्ष्य कर आरटीपीसीआर टेस्ट जो कथा कह जो ब्लॉक लेवल जो अच्छी टीएमसी सेंटर से पाखे से समस्त स्वास्थ्य सेवा कौ भाई पहुँचे जो लोक मैंने आसुंच से कौ भाई भाव टेस्ट कर देखारखा करे कि जिला पुलिस प्रशासन पक्षर एवं जिला प्रशासन पक्षर कड़ा निर्देश दिखाई जो मैंने अच्छा जो स्थानीय अंचल व पश्चिम सीमांतवर्ती अंचल प्रशासनिक अधिकारी जो बीडीओ तहसीलदार सरपंच एम को कड़ा निर्देश दिखाई आपड़ या पर तीक्षण नजर रखत जो भाव कहीं गोटे भी लोक आंतराज्य अर्थात अन्य राज्य ए राज्य को पशि न आसीपारती आलोचना करवा जो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार तापर आलोचना करवा आज प्रधानमंत्री जो भाई कहले कि जो मैंने जो लॉकडाउन शटडाउन एक विकल्प नुहे एक शेष विकल्प भाव बाजवा आज्ञा देखुं गत थर जो भाई पश्चिम सीमांत लोक मैंने पलि आम राज्य को पखापाखि 10-12 जिलार लोकर चिंता बढ़ाई कोरोना संख्या हु हु बढ़ा एथर डेरी हेले प्रशासनिक अधिकारी मैंने टी चेती गत काली जहाँ भिजिट करते एसपी और कलेक्टर समस्त सीमावर्ती अंचल लोक मान सरपंच तहसील विडिये थर फलप्रद हम ए निष्पत्ति कौन देखते देखो आज्ञा गोटे कथा हूँ जो निष्पत्ति निटा वर्कआउट हवा दरकार ग्राउंड टेबुल आमर सीमांतवर्ती जो यदि बेंगल कथा कहशार जो सीमांतवर्ती अंचलटा खाली मुख्य रास्ता कथ नुहे मुख्य रास्त सिल करदे लोक न आसपर तार किसी माने ना एक तो बार बार भी कहुच्छे सीमांत अंचल सब ढिला तेणु जो मानक दायित्व दि जाते सुचारू रूपे प्रतिपादित करन करा गोटे बड़ कथा कहीं बर्तमान समय ओडिशार बाहर या लोक जी ओडिशा को न पोषे संक्रमण को रोक जापर एटा ठीक कथा भल निष्पत्ति किंतु यही निष्पत्ति कार्यकारी करने जो सरपंच को दायित्व दि जाऊँगी
बा जो स्थानीय लोकप्रतिनिधि मानक दायित्व दि जाने केते दूर ताको तुलाउछन्ति सेइटा को मध्य जांच करिवार बहुत बड़ कथा रही समस्त मु तो कहबी आज्ञा बालेश्वर जो प्रशासनिक व्यवस्था रही एत दूर रही जाथिबार माने तो समस्त हेडक्वार्टर रहउछन्ति सेठी गोटे सब डिविजन करागलानी सब डिविजन टा करा जाइथिला जे असुविधा हेइ नथांता ठीक भाव में प्रपरली सीमाटा को जगा जाइ पारथान बर्तमान सीमार जो रही लोक मैंने से मैंने तो आज्ञा बेंगल दाउरे से डरिक रही तेणु सीमार्तवर्ती अंचल को केते रखि पारे मैंने से बड़ प्रश्न गोटे बर्तमान कहीं सुवर्णरेखा नदी दे कि बर्तमान नदी सुखी जाइए समस्त नदी एपट को पलि आसपारे केते जगह जगे आपत जो पाखापाखि 72 गाँ जो अच्छी से गाँव रवेश पथ जो खोला अच्छी से बाट देखे प्रवासी मैंने पलि आसपारती संक्रमित संख्या अधिक बढ़ी पारे आप देखते जिते बड़े लोक मैंने आतंकित अवस्था हो गली बेंगल जिते हु बढ़ी जाते से निश्चित भाव में ओडार लोक मैंने ओडा को पलि आसवाक चेषा करेंगे जिते मुख्य रास्ता गुड़ा धरतु ढड़ा है गाड़ी घोड़ा किनिकी कि मुख्य रास्त आसबे कहीं जेहतु वर्किंग क्लास पीपुल से भल भाव जानते कौ रास्ता देखिए सहजे आसीपर तेणु से जगार प्रशासन दायित्व बहुत बेसी रोचे कि भाव में बिलकुल पशे ना बेंगल पशिपर से तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते जो श्रमिक जो अच्छी सेठिकार सरकार से दायित्व बुझु ताद्वारा कि आसवाक चाहिए तेणु बड़ कथा हूँ बर्तमान ओडिशा सरकार पाखे गोटे बड़ प्रश्नवाजी रही सीमांतवर्ती अंचल को छत्तीसगढ़ जमी देखते पशि आसवर एति कथ खाली अंतराज्य बस जो बंद करागला से केवल बस लाइन में लोक आसूना बहुत रास्ता रही आसवापी 81 गाँ जो अंचल जो रही लिंक रही पशि आसपारे तेणु एपड़ी परिस्थित आमर बड़ कथ हूँ बालेश्वर जिलार प्रशासनिक अफिसर मैंने हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर दूर रोच पखापाखि तेणु 100 किलोमीटर दूर जाते कार्य निर्वाह करेंगे किभली जांच करेंगे सेटा उपरे तांको उपरे निर्भर करछु नहले किछ लाभ होबनी विकास जे वाला देखुथले जो वाला पाखापाखि जो पाखापाखि 82 जो गाँव रही पश्चिम सीमा अंचल को लगे ओडिशा रो से गाँव मानक केवल मुख्य रास्ता को सील करदे हम ना जो आउ अन्य जो गला बाट अच्छे आम जब कहीपर जो गला बाट से गला बाट दे कि संक्रमित जो भाव हे भावुं निज निज कम को निज निज गाँ को फेरबे जो भाई भावुं जो लोक मैंने जी संक्रमित है कि से गला बाट देखिए पलि आसती निश्चित भाव ओडार पिस्थित जो पाखापाखि गत थर जो भाव पाखापा 10-12 जिलार पिस्थित भयानक होता से भाव मध्यपारती तेणु जो कथा कह जे कि जो प्रशासन अधिकारी मैंने सीमार्तवर्ती अंचल ठार पाखापाखि 100 किलोमीटर दूर रोचान से मैंने सेठार दे जो दायित्व जनप्रतिनिधि मान कार्य केते तुलाउचंती ता तदारख कर आवश्यक अच्छी नवश्यकता रही प्रकाश जोड़ी रुहतु पूरी जावा से मो सहयोगी आलोक अच्छा आलोक अनेक गुड़े अनेक गुड़े आलोचना कला प्रधान जहाँ करागला प्रधानमंत्री अनेक गुड़े दिग उपर जहाँ परामर्श दे मैसेज दे आलोक आउ गोटे कथा बड़ समस्या है राज्यपाई प्रवासी समस्या आउ गोटे कथा है जे जो माने वर्तमान आगधाड़ी योद्धा अच्छा से केमी ठीक भाव दायित्व तुलाइबे एवं ये संक्रमण को किभर भाव रोक जापर सबुठ बड़ चैलेंज एवं राज्य सरकार मानी आसकर जिला प्रशासन जे से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जोटी की संक्रमण को रोकवाई प्रयास कर दिगर अधिक किभली कटक को अधिक कड़ाकड़ी करेंगे सेठार केमी संक्रमण को रोकी पारे आ बड़ कथा है जे निज जिला केमी से सुरक्षित रखिए एक बड़ चैलेंज और प्रधानमंत्री जहाँ निवेदन करते गोटे परामर्श दे राज्यवासी दायित्व जे राज्यर दायित्व राज्यवासी केमी सुरक्षित रे आलोक निश्चित भाव में विकास देखो जितेबाला करोनार प्रथम लहर आसला से राज्य अनेक कंटेनमेंट जोन देखला लॉकडाउन देखला सटडाउन देखला नाइट कर्फ्यू देखला किंतु वर्तमान जितेबाला द्वितीय लहर आसी निश्चित भाव में नाइट कर्फ्यू तो बलवत्तर रही राति 9 सकाल 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू जारी रही जहाँ SRC घोषणा करते सप्ताह को 2 दिन अर्थात शनिवार और रविवार आसंता शनिवार और रविवार सप्ताह को 2 दिन संपूर्ण रूपए लॉकडाउन कि सटडाउन रहा कि आपड़ जो कथ पचारे आप आज मुख्यमंत्री विभिन्न जिलापा सहित आलोचना करते कि भाव प्रवासी मानक विशेष कर दृष्टि देवा कहते कारण प्रवेशी मैंने वर्तमान महामारी समय जो भाव सहर मुआ है निश्चित भाव में संक्रमण आहरी द्विगुणित हो पाए से प्रत्येक प्रत्येक जिलार जिलापा मानक दायित्व दी प्रवासी मानक कि भाव में विशेष भाव में थैथान करने को प्रवासी मानक तीक्ष्ण नजर रखा कहुई अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जो भाव देशवासी को उद्बोधन नहीं प्रवासी मैंने सहर मुआ न हूँ समस्ते धैर्य धरतु कठिन महामारी समय समस्ते धैर्य धरने आवश्यक और बड़ कथ हूँ मैसीव वैक्सीनेसन आप जानते टीकाकरण को जिते त्वरावित कर
पार्ब जे अग्राधिकार दि जापर निश्चित भाव करोना प्रतिहत निश्चित भाव करोना को प्रतिहत कर तो युववर्ग को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीधा सड़क आह्वान देते अनुरोध करते आपण मैंने सचेतन करूँ लोक विशेषकर छोट छोट पिला जो मैंने अच्छा पर लोक सचेतन करूँ अति आवश्यक पड़े बाहर को जातु अति आवश्यक पड़े बाहर को न जातु तो निश्चित भाव में प्रधानमंत्री का आह्वान निश्चित भाव में अनेक लोक प्रेरणा तो निहाती भाव जगह तेना सका आज आप देखिले विकास जो भी भाव में गोटे बड़ घोषणा कराला कारण 18 वर्ष रु जो मैंने ऊर्ध रही व्यक्ति हूँ वयस्क लोक हूँ कि 18 वर्ष रु जो मैंने अधिक होती वैक्सीनेशन करा निश्चित भाव में सबुरी महल स्वागत कराला विशेषकर युवपीढ़ी यहाँ बेस स्वागत कले कारण युवपीढ़ी मैंने विकास आशा आशंकर थे जिते बड़े 60 वर्ष ऊर्ध लोक करोना टीका दिगला 45 वर्ष ऊर्ध लोक करोना टीका दिगला से युवपीढ़ी मैंने कन्फ्यूजन थे आशा आशंकर थे से बास्तव में करोना टीका मिली कि ना किंतु आज सब आशा आशंका उपर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र सरकार पुनच्छेद पकड़ 18 वर्ष अनेक गुड़िया दिग्गज पर आलोचना करवा आज युवपीढ़ी कथा कहुच्छे गत काली एत बड़ घोषणा है युवपीढ़ी को दिज्वे कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष अधिक जो युवपीढ़ी मैंने सुरक्षा कथा सबुठ अधिक फोकस दिगला जदि आलोक आम देखा आउ गोटे कथा प्रधानमंत्री कहते जे युवपीढ़ी मानक एक दायित्व देर जैसे जो अंचल रोचार निजे निजे गोटे कम्युनिटी तैयारी करते निजे निजे निज मधे गोटे ग्रुप तैयारी करते से ग्रुप जाइकी निज अंचल लोक अधिक सचेतन करते केवल जे राज्य सरकार नुह केवल जे प्रशासन नुह सीधा सड़क प्रधानमंत्री निज देशर युवपीढ़ी को आह्वान देते नवेदन कर तुम्हें मैंने एक हुओ एवं सचेतनतार बार्ता ये कोरोना अवेयरनेस अच्छी आपको अधिक रु अधिक लोक पहुँचाओ एवं ये लड़ई चली महालड़े महामारी सहित से समस्ते एकाठी हुओ आलोक विकास देखो युवपीढ़ी होती आगामी देशर भविष्य निश्चित भाव में युवपीढ़ी उपर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो गुरु दायित्व हस्तांतर करते जो युवपीढ़ी जोटी था जी आपार्टमेंट में था कि कलोनी में था कि सोसाइटी में था गोटे गोटे कमिटी गठन करेंगे से कमिटर गुरु दायित्व हूँ लोक सचेतन कर कि भाव कोरोना महामारी समय लोक सचेतन करण सचेतनता ही एकमात्र उपाय कहींपर कोरोना को प्रतिहत करने तो युववर्ग को जो भाव गुरु दायित्व आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देते निश्चित भाव युववर्ग निश्चित भाव में दायित्व को तुलाइबा आवश्यक रोचे से गोटे गोटे कमिटी करने आवश्यक कमिटी करकेर जो कलोनी पेरीफेरी अंचल जो लोक मैंने से सचेतन करने आवश्यक निश्चित भाव में मास्क परिधान करूँ सोशियाल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करूँ हाथ को बारंबार सानिटाइज करूँ तो निश्चित भाव में युववर्ग को आज जो अग्राधिकार देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निश्चित भाव युववर्ग यहाँ उपलब्धि करने कोरोना को प्रतिहत करने दिगरे युववर्ग को गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका आज आरंभ है विकास तो निश्चित भाव में युवपीढ़ी यहाँ पूर्ण समर्थन करेंगे लोक बहुत सचेतन करेंगे जदि आम कह लॉकडाउन शटडाउन कंटेनमेंट अंचल नाइट कर्फ्यू समस्त देखिं राज्य में कितु आम कहीपर जदि समस्ते सचेतन रही जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहले आउ लॉकडाउन कौन से आवश्यक ना केवल माइक्रो कंटेनमेंट जोन करवा आवश्यक रही से आम कह रेयर केस तो निश्चित भाव में जदि समस्ते सचेतन रही है जदि युववर्ग समस्त को सचेतनतार बार्ता दे निश्चित भाव में छोट पिला पर लोक सचेतनतार बार्ता दे तेज आउ लॉकडाउन आवश्यक ना कंटेनमेंट जोन आवश्यक ना शटडाउन आवश्यक ना निश्चित भाव में युववर्ग को जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो निवेदन करते अनुरोध करते परामर्श देते निश्चित भाव में आशा रखा युववर्ग निश्चित भाव में गुरुदायित्व को सुचारू रूप तुलाइबे आलोक युवबर्ग को बड़ा आह्वान दिया आउ गोटे कथ आम सहित जो दर्शक मैंने जोड़ी होती आलोक मुझे गोटे कथ रखा चाहूँ दर्शक मैंने जेहेतु आप सहित पूरी प्रतिनिधि अच्छा तेज पूरी में वर्तमान स्थित कौन नाइट कर्फ्यू से लागू होती आपण पक्षर जो चेकिंग करके देखा पारे पूरी में वर्तमान कौन रही स्थित आलोक निश्चित भाव में विकास देखो पुरी रदी आम स्थित कथा कह करोनार द्वितीय लहर आसापर सत आठ दिन कि दस दिन रेसीो कि आकलन जदि आम विकास देखा निश्चित भाव 700 रु 800 छुईले जो भाई भाव में राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं नाइट कर्फ्यू हो नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रही है आप सीधा सड़क दृश्य देखुंत आम अच्छा पुरीर संवेदनशील छक पुरीर जनगहलीपूर्ण छक मेडिकल छक रोचे पुलिस तरफ व्यापक आयोजन करो लोक मैंने अमानिया मैंने एणे तेणे बुलूं मुहर में मास्क परिधान करना सबाड़ करने को पुलिस प्रशासन बेस्ट तत्परता देखे कारण ये कोरोना महामारी समय पुलिस प्रशासन गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोचे तो निहती भाव में आप देखुं नाइट कर्फ्यू जेहतु सका 9 आसता का भोर 5 पर्यटन बलबत्तर रहती भाव में पुलिस प्रशासन सजग रही प्रति गली प्रति छक केवल संवेदनशील जगह नुह केवल बड़दाण्ड नुह पुरी सहर प्रत्येक गली प्रत्येक छक पुलिस पैंतरा मारूँ कि भाव में अमानिया मान को सबाड़ कर कि भाव में अमानिया मैंने घर बाहर न पारे से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था कर विकास सबुठ बड़ कथ रही आप
पूरी कथा कहले पूरी कोरोना अपडेट कथा कहले संवेदनशील प्रसंग रोचे श्रीमंदिर आप जानते आम जहाँ श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासन प्रतिक्रिया वर्तमान 15 जन सेवायत वर्तमान श्रीमंदिर चिन्हट है 7 जन सेवायत पर सदस्य जोता स्टाण रु 19 जन श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय 9 जन कर्मचारी चिन्हट है श्रीमंदिर सहित अंगांगी भाव जड़ित 50 रु ऊर्ध कर्मचारी वर्तमान चिन्हट है गत काली श्रीमंदिर नुआ एसओपी लागू कर मार्गदर्शिका जारी कर राज्य बाहर जो भक्त श्रद्धा मैंने आसवे से मैंने 4 दिन भितर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ता पुणी आरटीपीसीआर होता है बाध्यतामूलक एवं राज्य भितर विभिन्न जिलूर जो भक्त श्रद्धा मैंने आसवे से मैंने केवल परिचय पत्र देखे तो निश्चित भाव में श्रीमंदिर को तो कोरोना पशिला बड़ सूचना हूँ कुंभ मेलू 22 जन सेवायत को चिन्हट कर ता भितर 2 जन सेवायत नेगेटिव रिपोर्ट बाहर 13 जन रिपोर्ट वर्तमान सुधा आसी ना 7 जन वर्तमान सुधा टेस्ट करना निश्चित भाव से 7 जन विशेष फोकस दे मंदिर प्रशासन और आज निहाती भाव से टेस्ट करते हैं सेवायत मान नीलाचल भक्त निवास व्यापक बेड प्रस्तुत कराई कोविड केयर सेंटर खोल जाइए स्थानीय गोपबंधु आयुर्वेदिक कलेज आम सेवायत मान नीलाचल भक्त निवास खोलाई आलोक बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त अपडेट अनेक गुड़े तथ्य आपड़ दौले पूरी सहर में कोरोना स्थिति किभ रही है सेपटे आम आलोचना करूँ प्रधानमंत्री जो आह्वान देते खास कर युवपीढ़ी मान सहित सीधासलख कथबार्ता कहले चल कारण सीधासलख से कहते निज मध्य आप एकजुट हूँ और निज सोसाइटी को आपड़ अधिक लोक सचेतन करते आम सहित अधिक आलोचना पाई कि सीधासलख जोड़ी होती डॉक्टर रामचंदानी जे कि जड़े विशेषज्ञ अच्छा डॉक्टर रामचंदानी सब बड़ कथा है वर्तमान जन जहाँ प्रधानमंत्री आह्वान देपटे मे पहलू टीकाकरण मासिव टीकाकरण अभियान आरंभ होगा जाऊँगी खासकर 18 वर्ष रु अधिक आम कहीपर जे लॉकडाउन को सी कहते अंतिम विकल्प वर्तमान लॉकडाउन स्थिति आसनी कहीपर लड़ई एवं आम हाथ में अच्छी स्थिति एत भी सांघातिक ना डॉक्टर रामचंदानी देखु जहाँ मुत काल भी कही बर्तमान सिचुएसन जहाँ चली से ही रेट जदि कोरोना संक्रमण बढ़ी जाए तो आम पाखे कौन अपसन रहा केवल लॉकडाउन जहाँकि माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य सूचना देखते यद्यपि वर्तमान से लॉकडाउन रु लॉकडाउन करने को मना कर आग सिचुएसन कौन हाँ के कहीपरें ना कारण वर्तमान रहा लोक हाथ में लोक जी सचेतन नए एसओपी फुल पालन करेंगे ना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे ना पाखे किसी अप्सन नित्वय कथा है वैक्सीनेशन एप्रिल मस गए बड़ा स्वागत योग्य पदक्षेप जेहेतु कोविड कोवैक्सीन कोविशिल्ड 18 वर्ष ऊर्ध लोक देहब तेणु से सर्वनिम्न मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती 18 वर्ष तेणु 18 वर्ष समस्त को जो वैक्सीनेशन देवाई जो मानते जो डिस्कशन जो निष्पत्ति निश्चय गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप तद्वारा बहुत लोक संख्यार वैक्सीनेशन प्रोसेस को त्वरान्वित कर बहुत जन लोक वैक्सीन नहीं पारे बाकी रहा समय कह लोके सचेतन होती मान्यवर प्रधानमंत्री जो मानते आह्वान रही युवपीढ़ी को युवपीढ़ी वास्तव में युवपीढ़ी होती बर्तमान समाज मार्गदर्शक से मैंने जदि से प्रधानमंत्री से जो आह्वान अच्छी से पालन करेंगे और लोक सचेतन करेंगे डेफिनेटली किसी इंपैक्ट पड़ो समाज किसी उन्नति पार और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे कोविड रो गति बढ़ी गति में किसी विराम लग जा पार कि पुणी थे मुझे चाहूँगी मत वर्तमान संभवपर लगुना कारण बहुत मात्र कोविड मान जो गोष्ठी संक्रमण हो सारा बर्तमान प्रति घर में जेहतु भीमसार काम कर मोर ओपीडी में सबुद 30-40 पेसेंट देखुची इवन जो मैंने कंटाक्ट आसी ना से पॉजिटिव देखा जा तेणु मुझे भावु ना एज एक्सपर्ट रे बर्तमान मानने गोष्ठी संक्रमण होना गोष्ठी संक्रमण हो सारा बर्तमान हे तो मे जून जून मस सुधा मे मस सुधा ता पीक रे पहुंचब से ही समय मध्य जदि कि सचेतन हे प्रधानमंत्री वक्त जहाँ आह्वान को जदि युवपीढ़ी मानवे तो कि मात्रा आम रोक पारा और लॉकडाउन रु आम बर्ती पार लॉकडाउन बर्ती पार यहाँ ही सब बड़ विकल्प कहीपर कारण गोटे पछ जहाँ भी चलित बर्ष मानते पूर्व वर्ष आम कहीपर जो भाई स्थिति उपजी लॉकडाउन परिस्थिति सहित भारत गोटे सामनासामनी सम्मुखीन होता अर्थव्यवस्था पूरापूरी भाव ब्रेक गोटे प्रकार लग जाता डॉक्टर रामचंदानी आउ गोटे कथा कहते प्रधानमंत्री जे संक्रमण को जदि रोकवाक पड़ो तो कंटेनमेंट जोन उपर अधिक गुरुत्व देवाक पड़ा आपन तो जानते हैं कंटेनमेंट जोन हूँ से ही जगह जोटि की संक्रमण उत्सटा थाए जे से ही संक्रमण थाए से कंटेनमेंट जोन को आम जो रोक रखीदा से प्रशासन और राज्य सरकार जब
पदक्षेप नेबे स्ट्रॉंग एक्शन नेबे तेबे हुए तो ए जो गोष्ठी संक्रमण कथा आपण कहउछन्ती ता हुए तो आगु को आउ जीवनी एवं आमे देखिबा कोरोना लड़ाई रे हुए तो आमे टिके आश्वस्ति पाई परबा जीति परबा देखंतु ओडे एक्सपर्ट एक्सेल ओपिनियन मु एठी डिफर करछि कारण माननीय प्रधानमंत्री कहले जो कंटेनमेंट जोन को जदि आमे ताकु जदि आमे ठीक थाबे कंटेनमेंट करबा जो जोन रे रोगी चिन्हटा होतिले किंतु वर्तमान से परिस्थिति आउ नहीं जदि मे एक्सपर्ट हिसाब से पचारिबे आउ कंटेनमेंट जोन माने एभी जगार लोक माने आसुचंती जे माने कि इन्फेक्टेड जो जगार रे कोनोसी रोगी नहंती माने कोनोसी कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट नहंती सेमिति जगार रोगी छन वर्तमान आखापाखी सब जगार रे वर्तमान व्यापी सलानी वर्तमान केवल गोटे ही मात्र उपाय जदि आमे निजक बचेबा को चाहुचु ताले जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिया पडिबो एवं जते जे सो कहिबा को चाहिबे जे जो डिसीजन ता माने आमर प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री होत बा ओडिसा मुख्यमंत्री मते बारंबार आह्वान करछन्ती जे आमो माने लॉकडाउन ता आमरी हाथ रे अछि बदी आमे लॉकडाउन माने कोविड एप्रोप्रिएट को फॉलो करिबा नहीं तो सरकार पाखर भी ऑप्शन नथिबो सेतेले जीविका प्रभावित हो कारण जीवन थले से जीविका डेफिनेटली सरकार को दायित्व रहउछि जे जीवन भी बचु जीविका बचु से दृष्टि प्रधानमंत्री को एही भाषण ता थिला किंतु एज ए मेडिकल एक्सपर्ट किंतु मुटिक डिफर करबी वर्तमान से सिचुएशन नहीं आउ जीविका ऊपर गुरुत्व यदि दिया जाउछि जीवन प्रति विपद रहउछि किंतु तथापि माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान देछन्ति वर्तमान जेतु अप्रैल वर्तमान पर्यंत जेतु पाखा पाखी 1 कोटि लोक व्यस्त माने आक्रांतित होइ नहंती किंतु जो रेट रे द्रुत गति रे वर्तमान चालीछि संक्रमण डेफिनेटली किछ समय आसीबो या माने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रे प्रति पाइबो एवं सारा ओडि भारत रो सबु राज्य सबु जिल्ला रे रोगी आक्रांत दबे तेनु मु आउथरे आपन प्रधानमंत्री को जो वक्तव्य रहिछि ताकु मु स्वागत करबा संगे संगे लोकंकु मते सचेतन करबा चाहिबि जे जहां प्रधानमंत्री कहिछन्ति केवल ताहा तांकर भाषण नै से मध्य मेडिकल एक्सपर्ट को ओपिनियन नै से जो भाषण ता आज रखिछन्ति एवं लोकंकु आह्वान दैछन्ति तेनु से सब को फॉलो करबा निहाति आवश्यकता रहिछि किंतु कंटेनमेंट जोन बाबत रे मु कहबा को चाहिबि वर्तमान आउ कोनसी जगह बाकी रहिनी आज्ञा माने महाराष्ट्र सिचुएशन छत्तीसगढ़ तो गला ओडिसा रे भी अपन देखंतु बहुत राज्य जिला जोंतरे की बहुत सब डिविजन अच्छी जोटी की देखा जाऊला किंतु वर्तमान से देखा जाऊँगी जेहेतु रोगी गुड़ाक एपट सेपट प्रचलित होती तो डेफिनेटली किए के कंटाक्ट आस कहार डिफिकल्ट तेनाली टेस्टिंग बढ़ेबार आवश्यकता रही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर आवश्यकता रही वैक्सीनेशन प्रोसेस को त्वरान्वित करवा जोटा कि माननीय प्रधानमंत्री एप्रिल मे 1 तारीख रु 18 वर्ष ऊर्ध रोगी मानक व्यक्ति मानक जो निष्पत्ति नहीं डेफिनेटली स्वागत पद निहाती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामचंदानी आपण आम सहित अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण मेसेज जहाँ सेयार कले लोक जहाँ गाइडलाइन अच्छी जहाँ भी प्रधानमंत्री आह्वान दौरान जहाँ भी प्रिकॉशनरी मेजर नि सबको पालन करने कथा बहुत बहुत धन्यवाद ये थे डॉक्टर रामचंदानी जे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण कथ आम सहित सेयार कले मो सहित मो सहयोगी सुरेन्द्र झारसुगुड़ जोड़ी जाते सुरेन्द्र आज प्रधानमंत्री अनेक गुड़े आह्वान दे खासकर युवपीढ़ी को बड़ आह्वान दे सीधा सड़क कहले तुमने एकजुट हुआ ये जो महालड़े चली महामारी सहित से तुम बड़ योगदान रही तुमने निजे सचेतनतार बार्ता समस्त को दब एवं सेपटे मे पहलू वैक्सीनेसन प्रक्रिया को मैसिव करापर आम जे कोरोना लड़े एवं आह्वान दि जाइए लोक मैंने एकजुट हूँ सुरेन्द्र देखो विकास प्रथम थर पर जो कोरोना बर्तमान जो सेकेंड वेव चली प्रथम थर पर प्रधानमंत्री देशवासी को उद्बोधन देखते एवं गोटे सब बड़ कथा कही जो श्रमिक मैंने अच्छा जो मैंने विभिन्न राज्य रु गोटे राज्य रू अगर राज्य को पलायन करें दिल्लीर चित्र देखुचु बम्बे चित्र देखुचु कि जेहेतु झारसुगुड़ा हेल्ले गोटे गोटे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट तो अनेक राज्यर श्रमिक मैंने ये काम करती तो प्रधानमंत्री सब राज्य सरकार को अपील कर श्रमिक मान भरोसा दिंतु केमती से राज्य में रेवे टीकाकरण करते तो आम सहित स्थानीय लोक अच्छा आज जो प्रधानमंत्री देशवासी को उद्बोधन दे स्थानीय लोकों भितर के कौन माहौल रही सीधा सड़क कथा आज्ञा आज प्रधानमंत्री देश उद्देश्य जो उद्बोधन देले कौन कहे जो प्रधानमंत्री गोटे देश को जो 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 भाया ढंग से आज उद्बोधन एथिरु आमे जानी पारछु जे भारतर प्रधानमंत्री गोटे संवेदनशीलता को से प्रतिपादित कर भारतर लोकंकर जो आवेग को से बुझी पारिछंती तांकर दरद को से ये थिले मो सहयोगी सुरेन्द्र जी अधिक अपडेट दउथिले जहां वर्तमान
କହିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ନ ହେଉ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକି ଲକଡାଉନ୍ ନ ହେଉ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତେବେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ମହାଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସେପଟେ ମେ ପହିଲାରୁ ଯେଉଁ ମାସିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଖାସ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାସୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକାଶ କଥା ହେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନଟା ହେଉଛି ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ତ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଲେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଯାହା ତାର କରାଳ ଛାୟା ଏତେ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଶକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କାରଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ଜୀବନ ଚଳିବେ ସେ ହିସାବରେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି ବାଟ ମିଳୁନି ସେ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କିଛି କମି ନାହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣାରେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅତି ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଏବଂ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାର କିଛି କମି ରହିବ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ବେଡ୍ ସବୁଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଯାହା ବି ରହିଛି ସମସ୍ୟା କରୋନାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଯାହା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉ ଅନ୍ତିମ ବିକଳ୍ପ ଯେ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହାକୁ ବଛାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେମିତି କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ ସହିତ ସେ ଲଢ଼େଇକୁ କେମିତି ଜିତିପାରିବା ସେ ନେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଯେଉଁ ମାସିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 18 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଜେ ଏକଜୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ସହିତ ସେମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ହିଁ ହେଉ ଏବଂ ଯାହା କଥା ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ମେ ପହିଲାରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟକୁ 1 କୋଟି ଯାହା କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହା ଏକ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆଜିର ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ଯାହା ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଯେମିତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂରେ ସମୟ ସରିଛି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।